This is Neeraj and I welcome you back to our English learning session, and we are here to learn our third chapter in English supplementary course, and of course we are dealing with class 6. Okay, so this is your third chapter, The Shepherd's Treasure, in your English supplementary section. दो chapter हम लोग देख चुके हैं अभी तक, right? Last chapter was what? The Friendly Mongoose. We were studying about a farmer and his son and a pet mongoose which he had brought for his son, and then how the story unfolded and different things happened. So let's move ahead and we'll study about the chapter 3. This is Shepherd's Treasure. What is Shepherd? Shepherd? Shepherd generally बोलते हो जो shapes काउज फिर गाय भैंस को खेतों में ले जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? आई सपोज चरवाहा बोलते हैं, राइट? सो दैट इज़ शेफर्ड. एंड ट्रेजर मीन्स खजाना, कुछ बेशकीमती चीज़ों वाली जगह या कोई ऑब्जेक्ट. तो शेफर्ड्स ट्रेजर, ट्रेजर कुछ भी हो सकता, कोई सामान भी हो सकता है, किसी चीज़ का इंटेलिजेंस भी क्या है, बुद्धिमानी भी है, क्या ट्रेजर है, ठीक है? ऐसी कोई भी चीज़ जो बेशकीमती है, दैट इज़ ट्रेजर. This is the story about a shepherd. Okay? So let's move ahead. And of course, I'll share question answers and the different words. The story. A poor shepherd once lived in Iran. Iran mein ek samay, once means ek samay, ek gareeb shepherd charwaha rehta tha. The uneducated, he was very wise and helpful. The ya although, ek hi meaning hota hai, matlab ki although, जबकि वो अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था. ही वॉज़ वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, वो बहुत ही बुद्धिमान था और हेल्पफुल था, लोगों की हेल्प करता था वो. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज. तो वहाँ का जो किंग था ईरान का, उसके एरिया का, ही डिसाइडेड टू मीट, क्योंकि उसने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था कि काफ़ी अच्छा इंसान था, तो उसने सोचा कि क्यों ना उससे मिले, लेकिन इन डिसगाइज. डिसगाइज का मतलब क्या होता है? वेश बदल के, ताकि वो पहचाने नहीं कि वो किंग है. तो जनरली क्या होता है, लोग किंग या किसी को भी देखे तो अच्छे बनने की कोशिश ही करते हैं, तो उसने सोचा कि मैं वेश बदल के जाऊंगा, ठीक है? तो दिस इज द स्टोरी, लेट्स स्टार्ट. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. तो ईरान के एक विलेज में, गांव में, एक समय एक शेफर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. ही डिडंट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. ही डिडंट है, उसके पास नहीं था, पास्ट है, राइट? इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. कॉटेज मीन्स रहने का घर, हट, कुछ भी बोलो, दैट इज द कॉटेज. तो उसके पास रहने के लिए भी एक कॉटेज, हट, जो कुछ बोलो, वो नहीं था. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्नड टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, मतलब वो कभी भी स्कूल गया नहीं था, राइट? और लर्नड टू रीड और राइट, या फिर उसने कभी लिखना पढ़ना कुछ सीखा भी नहीं था. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. यहाँ पे फॉर का मतलब क्या हुआ? बिकॉज. यहाँ पे फॉर का मतलब क्या है? बिकॉज. उस समय देयर वर वेरी फ्यू स्कूल, उन दोज डेज, मतलब उन दिनों में, उस समय में बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे, ठीक है? बहुत पुरानी स्टोरी है. यहाँ पे फॉर का यूज़ क्या है? बिकॉज के सेंस में. द पुअर एंड अनएजुकेटेड ऑल्सो, ऑल्दो क्या था? पुअर था, गरीब था, अनएजुकेटेड था. दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, वो बहुत ही बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स. ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है? समझना. उसका पास्ट क्या है? अंडरस्टूड. तो लोगों की सॉरोज को, सॉरोक मीन्स दुख, सैडनेस को, ट्रबल्स मीन्स परेशानियों को समझता था. सॉरो इज सैडनेस, ट्रबल इज परेशानी. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस. और वो हेल्प करता था उनकी फेस देयर प्रॉब्लम्स. फेस का मतलब चैलेंज करना किसी को, ठीक है? सामना करना, जो बोलते हैं ना, प्रॉब्लम्स का, किसी चीज़ का सामना करना. तो उनको हेल्प करता था, लोगों को प्रॉब्लम्स को सामना करने में, विथ करेज. करेज मीन्स हिम्मत से, डेयरिंग. एंड कॉमन सेंस, कॉमन सेंस जो आप इन जनरल बोलते हो लोगों को ना, कि कॉमन सेंस में नहीं है, मतलब छोटी सी बुद्धिमानी में नहीं है. तो सेंस क्या होता है? बुद्धिमानी के सेंस में यूज़ करते हैं, वाइज. तो लोगों को हेल्प करता था अपने प्रॉब्लम्स को क्या करने में, मतलब फेस करने में. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग जो होते थे उसके पास आते थे एडवाइस के लिए, सलाह के लिए. अच्छा, दिस इज़ एडवाइस, और एक होता है ADVISE. व्हाट इज़ द डिफरेंस?
ये भी एडवाइस है, ये भी एडवाइस, दिस इज एडवाइस, दिस इज एडवाइस। देखो किसी को सलाह देना इज कॉल्ड एडवाइस, और एडवाइस दिस इज द पीस ऑफ, क्या सलाह दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप पढ़ाई करो, तो मैंने आपको सलाह दिया, तो दैट इज़ एडवाइस। लेकिन मैंने क्या सलाह दिया, पढ़ाई करो, तो दैट इज़ एडवाइस। जो मैंने सलाह दिया दैट इज़ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस। सुन जल्द ही he became very famous for his wisdom and friendly nature. सुन means जल्द ही he became famous, वो बहुत famous हो गया, popular हो गया अपनी बुद्धिमानी के लिए, wisdom के लिए, and friendly nature, और दोस्ताना behavior के लिए। The king of that country heard about him. उस देश के जो राजा थे उन्होंने उसके बारे में सुना, and thought of meeting him, और उससे मिलने के बारे में सोचा उन्होंने। Disguised as a shepherd, मतलब disguised as a shepherd, वेस बदल के, disguise करना मतलब वेस बदलना, ठीक है। Let me focus guys, problem तो disguised as a shepherd, शेफर्ड की तरह, उसने भी, राजा ने भी क्या किया, चरवाहे की तरह एक वेश बदल लिया। एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, म्यूल क्या होता है, ये क्या बोलूँ, आपने डंकीज वगैरह देखते हो, गधे सामान वगैरह ढोने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एक्चुअली गधा नहीं होता है, ये होता क्या है, हॉर्स एंड डंकी, इन दोनों के मेटिंग से, रिप्रोडक्शन से म्यूल बनता है, मतलब घोड़ा और गधे का प्रोजेनी है ये। इसको हिंदी में शायद इन जनरल आई डोंट नो क्या बोलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा गधे टाइप का होता है जो बहुत सारा सामान ढोने के काम आता है, बहुत बार देखा होगा अपने गाँव वगैरह में, जनरली शहरों में तो कम दिखते हैं, गाँव वगैरह में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक सपोज़ करो एक एनिमल है, शायद जो भी बोलते हो हिंदी में, आई डोंट नो, तो उसकी तरह वेश बदल के, और एक राइडिंग ऑन अ म्यूल, और उस म्यूल पर चढ़ के, वन डे द किंग केम टू द केव, एक दिन राजा नज़दीक आया केव के, केव मतलब गुफा, जहाँ पर Where the wise shepherd lived, जहाँ पर वो जो बुद्धिमान shepherd था वो रहता था, right? As soon as the shepherd saw the traveler, as soon as means जैसे ही shepherd saw the traveler, shepherd जो actual shepherd जो है चरवाहा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी कहानी है, उसने जैसे ही traveler को, जो यात्रा करके आया था, traveler यात्रा करके देखा आते हुए, towards the cave, गुफा की तरफ, he rose to welcome him, rise का past rose, मतलब उठा, अपनी जगह से उठा, welcome him, उनका आदर सत्कार करने के लिए, स्वागत करने के लिए, ठीक है। ट्रैवलर कौन था, किंग था, जो यात्रा करके आ रहे थे। he took the tired traveler inside the cave, उसने जो थके हुए ट्रैवलर थे, जो किंग के वेश, जो किंग थे एक्चुअली में, वेश बदल के आए थे, उनको केव के अंदर ले गया। gave him water to drink, पानी दिया उनको पीने के लिए, and अ शेयर ऑफ हिज ओन मिएगर मिल, और अशेयर, मिएगर मीन्स बहुत ही कम अमाउंट, गरीब था वो, तो अपने उस छोटा सा खाना जिसमें बहुत ही कम खाना था उसमें भी एक शेयर उनसे किया उसने, ठीक है, कुछ खाने के लिए दिया आपने उस कम खाने का भी। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द किंग इन द केव, जो राजा थे, जो वेश बदल के आए थे, ट्रैवलर थे, उन्होंने रात बिताया उसी गुफे में, केव में ही। एंड was greatly impressed by Shepherd's hospitality and wise conversation, and was greatly impressed, impressed means प्रभावित होना, ठीक है, किसी से इन्फ्लुएंस होना, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे जो Shepherd था उसके हॉस्पिटैलिटी से। हॉस्पिटैलिटी मीन्स जो आपके गेस्ट आते हैं घरों में, तो उनका जो आप वेलकम करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी। एंड वाइज कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, तो बुद्धिमानी भरी बातचीत। तो राजा जो वेश बदल के आए थे वो शेफर्ड की आदर सत्कार से जो स्वागत किया था उसने, और उसकी बुद्धिमानी भरी बातों से काफ़ी खुश हुए थे। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, द स्टिल टायर्ड, चूँकि अभी भी वो टायर्ड थे, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, राजा ने डिसाइड किया क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग डिपार्ट होने का, मतलब चले जाने का वहाँ से, वो तो बस चेक करने आए थे कि सही में वो अच्छा आदमी है या नहीं, राइट। अभी भी वो थके हुए थे लेकिन फिर भी वो डिसाइड किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो चले जाएंगे। ये मैंने पढ़ा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी जो स्टोरी है उसी का थोड़ा सा समरी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम मेन वही पढ़ते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, राजा जब जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने बोला शेफर्ड को, क्या, मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, वो थैंक यू बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी काइंडनेस के लिए, दयालुपनता के लिए इस गरीब यात्री के लिए।
आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबा रास्ता जाना है। परमिट मी टू लिव, मतलब मुझे परमिट कीजिए, मतलब आदेश दीजिए कि मैं अब निकलूँ। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, तो जो गेस्ट थे उनकी आँखों में सीधे, लुकिंग स्ट्रेट, उनकी ठीक आँखों में आँखें डालकर देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, जो शेफर्ड था, जो एक्चुअली में जो चरवाहा था जिसके घर राजा आया था, उसने रिप्लाई किया, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। उसने बोला थैंक यू योर मैजेस्टी, मैजेस्टी मीन्स किंग, किंग को बोला थैंक यू, धन्यवाद, फॉर पेइंग मी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मीन्स किसी के घर पे जाना, कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी को उस लायक समझना कि वो अच्छा है। तो यहाँ पे वो उनको थैंक यू बोला कि आपने मुझे उस लायक समझा कि आप मेरे घर पे आए, ये कॉम्प्लीमेंट था उसके लिए। ऑफ कोर्स राजा उसके गुफा में आए तो ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट ही था। कोई अच्छा काम करता है तो आप बोलते हो नहीं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो क्या हुआ, आपने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या था, राजा का उसके घर पे आना, ठीक है, क्योंकि वो गरीब था, उसके घर पे राजा क्यों आएगा, तो ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट था, उसके लिए अच्छी बात थी। द किंग वॉज एस्टोनिस्ट एज वेल एज प्लीज्ड, द किंग जो थे एस्टोनिस्ट थे, एस्टोनिस्ट मीन सरप्राइज्ड, एज वेल एज प्लीज्ड, और काफ़ी खुश भी हुए, सरप्राइज्ड भी हुए और खुश भी हुए, क्यों, ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, इंडीड मीन्स रियली, ये सही में बुद्धिमान है, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद अंदर ही अंदर सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करे, नीड मीन्स जरूरत, एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और उसी समय जो राजा थे उन्होंने अपॉइंट किया, मतलब उसकी क्या कर दिया, उसको बना दिया, दिस हम्बल मतलब बहुत अच्छे शेफर्ड को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक स्मॉल एरिया का, क्या हिंदी में डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हो, जिला जो अभी बोलते हैं, उसका गवर्नर बना दिया, क्योंकि वो सरप्राइज हो तो वेस बदल के आया था, राइट, तो इसी कारण उन्होंने बोला ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, वो उसको पहचान कैसे गया कि वो राजा ही है, क्या बोला था उसने, योर मैजेस्टी थैंक यू, तो सेफर जो था पहचान गया था कि वो राजा ही है, तो उससे वो खुश हुए और उन्होंने उसको एक क्या बना दिया, जिले का गवर्नर बना दिया। ऑल दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, अब उस पावर में आने के बाद, वो गवर्नर बनने के बाद ही रोज टू पावर, मतलब उसके पास काफ़ी शक्तियाँ बढ़ी, डिग्निटी बढ़ी, मतलब इज्जत बढ़ी उसकी, द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, पावर मतलब इतना गवर्नर बन गया, इतनी इज्जत मिल गई, फिर भी जो शेफर्ड था ही रिमेंड मतलब रहा वैसे ही रहा एज हम्बल, मतलब काफ़ी काइंड और दयालु बना रहा वो, कभी उससे पावर और पोजीशन देख के उसका दिमाग ख़राब नहीं हुआ। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, जो लोग थे उसे बहुत प्यार करते थे, ऑनर करते थे मतलब रिस्पेक्ट देते थे, फॉर हिज विजडम उसकी बुद्धिमानी के लिए, सिंपैथी के लिए, सिंपैथी मतलब दया भावना के लिए, किसी के प्रति दया दिखाने के लिए, एंड गुडनेस मतलब ऑफकोर्स अच्छा नेचर के लिए, तो काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, ही वॉज काइंड, वो काफ़ी काइंड था, दयालु था, एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वन एंड ऑल का मतलब सभी के, किसी एक आदमी के लिए भी या सभी के लिए, तो काफ़ी बुद्धिमान था, अच्छा था, पावर मिल गया, पैसा मिल गया, सब मिल गया, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छा आदमी बना रहा, लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे, इज्जत करते थे उसकी बुद्धिमानी के लिए, दयालु के, और वो भी काफ़ी अच्छा था, ही वॉज वेरी काइंड टू वन एंड ऑल, सभी के लिए, एक आदमी हो या सभी आदमी हो। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसका जो फेम था, उसका जो प्रशंसा थी, एज अ फेयर, फेयर मीन्स जो आदमी किसी के बीच में भेदभाव नहीं करता है, ठीक है, इक्वली सबके बारे में सुनता है, सबके साथ एक समान बर्ताव करता है, वाइज मीन्स बुद्धिमान गवर्नर, स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, फैल गया, तो उसकी जो पॉपुलैरिटी थी, फेम थी, वो पूरे देश में फैल गई कि वो काफ़ी अच्छा है, बुद्धिमान है और सबको एक नज़र से ही देखता है, फेयर है, तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम, अब जो गवर्नर्स थे दूसरे प्रोविंस के, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, जिले के, दे ग्रीव, उनके अंदर टेरिबली जेलस, अब उनके अंदर वो उससे जलने लगे, जो बोलते हैं ना ईर्ष्या भावना, जलने की भावना, टेरिबली जेलस मतलब बहुत गंदे तरीके से उनके अंदर जेलसी आ गई, वो उससे जलने लगे, एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उन्होंने शुरू कर दिया बातें करना राजा से उसके खिलाफ, अब वो जल रहे थे तो उसके खिलाफ कुछ भी गलत से ही शुरू कर दिया उन्होंने बोलना। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत ही क्या है, ईमानदार नहीं है, वो डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का उल्टा होता है डिसऑनेस्ट, ईमानदार नहीं है। किप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वो अपने पास
रख लेता है हिमसेल्फ कीप्स अपने पास रखना कीप करना पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज ए टैक्स और लोगों से जो वो टैक्स कलेक्ट करता है टैक्स कलेक्टर के क्या करते हैं राजा को देते हैं तो ये बोल रहे हैं कि वो बहुत ही बेकार आदमी ईमानदार आदमी नहीं है वो लोगों से जो टैक्स कलेक्ट करता है उसका पार्ट मतलब उसका कुछ हिस्सा अपने पास वो रख लेता है उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया उसके खिलाफ क्योंकि वो जलने लगे थे उससे वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट वाई डिड ही ऑलवेज कैरी क्यों वो अपने साथ कैरी करता था रखता था दे एडेड मतलब उन्होंने आगे बोला एन आयरन चेस्ट आयरन का चेस्ट मीन्स बक्सा बॉक्स हिंदी में बक्सा बोलते हैं लोहे का तो उन्होंने बोला कि वो अपने पास हमेशा एक आयरन का बॉक्स क्यों रखता है आगे इन्होंने कंप्लेन करते हुए राजा को बोला परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड परहैप्स मीन्स शायद वो रखता है उसमें द ट्रेजर वही सब पैसा जो उसने लोगों से चुराया है दैट ही हैड सीक्रेटली जो उसने छुपा के सीक्रेट तरीके से कलेक्ट किया है ये इनका कहना था ठीक है तो इन्होंने जाकर राजा को कंप्लेन किया कि वो टैक्स का पैसा चुरा के उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता है नहीं तो वो अपने पास क्यों कैरी करता है एक आयरन का बॉक्स उनका कहना था कि इसी आयरन बॉक्स में ही वो सारे ट्रेजर मतलब जो धन वगैरह जो उसने रखा है वो उसमें ही रखता है ठीक है आफ्टर ऑल क्योंकि दे सेड मॉकिंगली उन्होंने मॉकिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहा ठीक है ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर तो उसका मजाक उड़ाते हुए उसने कहा कि कुछ भी हो आफ्टर ऑल मीन्स कुछ भी हो वो क्या है एक ऑर्डिनरी मतलब सामान्य चरवाहा ही है कुड बिहेव नो बेटर और वो उससे बढ़िया आदमी नहीं बन सकता भले ही उसे गवर्नर बना दिया गया है या कुछ तो इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया उसके अगेंस्ट में ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने राजा के कान में उसके खिलाफ बोलना शुरू किया कि वो है तो क्या कुछ भी एक शेफर्ड ही है चरवाहा ही है कुड बिहेव नो बेटर और वो उसके जैसा ही बिहेव करेगा वो मतलब वो ईमानदार नहीं हो सकता है एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स एट फर्स्ट मीन्स पहली बार जो राजा थे उन्होंने कोई भी अटेंशन मीन्स ध्यान नहीं दिया इन रिपोर्ट्स पे वो इस चीज़ को सुने ही नहीं राजा ने भी इग्नोर कर दिया बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड बट हाउ लॉन्ग लेकिन कितने दिन तक वो इग्नोर कर सकते थे इन गवर्नर्स की एंडलेस ख़त्म न होने वाली कहानियों के उस शेफर्ड के खिलाफ पता नहीं है कि आप किसी के बारे में बोलते रहो कान भरते रहो तो कभी ना कभी लोग सुनते ही हैं राइट तो उन्होंने इतना कान भर दिया था कि वो कब तक इग्नोर करते उनको सुनना ही पड़ा वन थिंग वॉज सर्टेन एक चीज़ तो तय था सर्टेन था द किंग डिस्कवर्ड किंग ने डिस्कवर किया मतलब पाया द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम जो नया गवर्नर कौन था वही शेफर्ड वो सही में कैरी करता था एक आयरन का बॉक्स अपने साथ ऑल द टाइम हमेशा राजा ने भी देखा क्या कि एक बात तो सही वो बोल रहे हैं जो दूसरे गवर्नर कंप्लेन कर रहे हैं कि वो अपने साथ एक आयरन का बॉक्स रखता है वो बात तो सही है वो सही में अपने साथ एक आयरन का बॉक्स रखता है सो वन डे तो एक दिन द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस जो नए गवर्नर थे मतलब जो शेफर्ड जिसको नया गवर्नर बनाया था ही वॉज समन समन मीन्स ऑर्डर दिया था कि पैलेस मीन्स महल में राजा का महल में उसको बुलाया गया ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल वो अपने कैमल पे ऊँट पे राइडिंग करते हुए आए चढ़ के एंड टू एवरी वंस डिलाइट और टू एवरी वंस डिलाइट और सभी की खुशी के लिए लोग सभी वहाँ पर क्या हुए खुश हुए ये देख के द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक द फेमस मतलब वो बहुत ही मशहूर आयरन का बॉक्स जिसके बारे में कंप्लेन किया जा रहा था वॉज वेरी देयर फास्ट एंड सिक्योरली फास्ट एंड मीन्स टाइट था बंधा हुआ था सिक्योरली मतलब बहुत ही सुरक्षित तरीके से बिहाइंड हिम उनके पीछे गवर्नर के पीछे कैमल के तो जो गवर्नर जिस कैमल पर बैठे हुए थे उस पर उनके पीछे वो जो आयरन का बॉक्स था बहुत अच्छे से बांध के रखा गया था तो ये देख के सभी लोग क्या थे डिलाइट थे खुश थे नाउ द किंग वॉज एंग्री राजा बहुत अब एंग्री हो गए गुस्से हो गए ही थंडर्ड वो चिल्लाए वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू आप ये आयरन का बॉक्स हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो वाट डज इट कंटेन क्या है इसके अंदर द गवर्नर स्माइल्ड और जो चरवाहा था जो गवर्नर बना था वो हंसे थोड़ा स्माइल किए
ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। तो जो गवर्नर थे उनके साथ जो सर्वेंट थे उनके, उनको बोला कि वो चेस्ट जो था, बॉक्स जो था, उसको नीचे उतारो, ले आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। हाउ ईगरली मतलब कितनी बेचैनी से, उत्सुकता से, उत्सुक बोलते हैं हिंदी में लोग। पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड, पीपल जो स्टैंड खड़े थे, वेटेड इंतज़ार कर रहे थे, शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, शेफर्ड के पकड़े जाने का। मतलब क्या लोगों ने क्या बोला था कि वो चोर है, ठीक है। तो अब लोग इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि इन्होंने भी ऑर्डर किया था क्या अब उसे खोलने का, अपने सर्वेंट को बोला कि लेके आओ। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपेंड, ठीक है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनके जो जिज्ञासा थी, जो सरप्राइज था, वो कितना महान था, और इवन राजा का जो बहुत बेचैन थे देखने के लिए, व्हेन द चेस्ट वॉज ओपेंड, जब उस बक्से को क्या किया, खोला गया। लेकिन उनका जो सारा एस्टोनिशमेंट था, एक्साइटमेंट था, स्ट्रेंजनेस था, सब का सब खत्म हो गया जब कब उस चेस्ट को, बॉक्स को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। कोई भी गोल्ड सिल्वर या ज्वेलरीज कुछ नहीं था उसके अंदर, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स कंबल, वॉज ऑल दैट केम आउट, जो उसके अंदर से बाहर से निकला, क्या था, सिर्फ एक ब्लैंकेट निकला, ठीक है, एक कंबल निकला, ओल्ड ब्लैंकेट, पुराना सा। होल्डिंग इट अप मतलब उसको ऊपर उठाते हुए, प्राउडली अच्छे तरीके से पूरा, द शेफर्ड सेड, ठीक है, बहुत प्राउड था उसे क्योंकि वो अपने पास उसे रखता था। जो शेफर्ड थे उन्होंने कहा, दिस इज़ माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर। तो उन्होंने बोला कि माई डियर मास्टर मतलब राजा को, मेरे मालिक, यही मेरा ट्रेजर है, मेरा धन है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं इसको हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ, रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, लेकिन तुम क्यों ये साधारण सा ब्लैंकेट, कंबल अपने साथ कैरी करते हो, रखते हो। राजा ने पूछा, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम अब क्या हो, श्योरली डेफिनेटली तुम एक डिस्ट्रिक्ट के, जिले के क्या हो, गवर्नर हो, तो तुम्हें ये सब कैरी करने की क्या ज़रूरत है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, टू विच उनके क्वेश्चन को, टू विच जो उसने पूछा था उससे, द शेफर्ड थे उसने रिप्लाई किया विथ क्वाइट डिग्निटी, बहुत ही शांत तरीके से और इज्जत से, क्वाइट डिग्निटी, अच्छे इज्जत देखते हुए उन्होंने रिप्लाई किया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे अभी भी प्रोटेक्ट करेगा, इफ़ एट एनी टाइम, अगर किसी भी समय, योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, ठीक है, अगर किसी भी समय, ये मुझे अभी भी प्रोटेक्ट करेगा, मुझे सुरक्षित रखेगा, लेट मी फोकस, ठीक है, इफ़ एट एनी टाइम, अगर किसी भी समय योर मैजेस्टी मतलब राजा चाहें, उनकी इच्छा हो, विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, मेरे नए सारे सामान। यहाँ पे क्लॉक का मतलब क्या होता है, सामान, एक CLOC के होता है, क्लॉक मीन्स घड़ी, जो वॉल घड़ी, ये क्या है, क्लॉक, CLOA के, क्लॉक मीन्स सामान। तो क्या था, एक चरवाहा था, उसको गवर्नर बना दिया था, लेकिन उसने बोला कि अगर राजा किसी भी समय ये डिसाइड करें कि वो मेरा सामान टेक अवे मतलब वापस लेना चाहें सारा सामान, तो मुझे अभी भी प्रोटेक्ट, क्योंकि उसके पास वही एक है ही, तो इसीलिए वो अपने पास रखता है। अगर राजा मुझे अपना सारा सामान भी ले लें तो भी ये उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि सब कुछ राजा अगर उसे छीन ले तो रोड पे आ जाएगा, अपने वापस गुफे में जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी वो उसे आसान से उसे ओढ़ के सो सकता है, रख सकता है, बैठ सकता है। हाउ प्लेस्ड द किंग वॉज, अब ये सुन के राजा जो थे काफ़ी प्लेस्ड हुए, खुश हुए, संतुष्ट हुए। एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और हाउ एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड मीन्स शर्मिंदा होना, तो जो जेलस गवर्नर्स थे जो उसे जलते थे, टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, इस बुद्धिमान आदमी का जवाब सुन के राजा तो बहुत खुश हुए, संतुष्ट हुए, लेकिन ये जो जेलस जो उसके खिलाफ जलते थे, जो गवर्नर जिन्होंने कंप्लेन किया था, वो एम्बेरस्ड हुए, उन्हें शर्मिंदा फील हुआ।
Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. Now they knew. अब उन्हें भी समझ में आ गया, पता लगा चरवाहा जो था शेफर्ड था was indeed means really the humblest means बहुत ही साधारण सा सिंपल सा and the wise बुद्धिमान आदमी था उस धरती पे उस एरिया का. The king made him the governor of a much bigger district that very day. जो राजा था उन्होंने उसको बना दिया एक बहुत उससे भी बड़े मच बिगर जिस जिला का वो गवर्नर था उससे भी बड़े जिले का दैट वेरी डे मीन्स सेम डे. ठीक है, ये जवाब सुनने के बाद सब कुछ होने के बाद उसी समय राजा ने उसे क्या कर दिया, एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. सो दिस इज़ द स्टोरी. व्हाट डिड यू लर्न? दिस इज़ अबाउट कि आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, पैसा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके, यू शुड बी अ काइंड एंड जेंटल पर्सन. सुनते ही हो, घर पे भी सुनते हो, लोगों से सुनते हो, टू ऑलवेज रिमेन अ गुड पर्सन. तो दिस इज द स्टोरी. आप कुछ भी बन जाओ लेकिन यू शुड बी अ गुड पर्सन. क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं. द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज वो स्कूल कभी क्यों नहीं गया था, आपने पढ़ा था पहले पैराग्राफ में ही, क्योंकि उस समय बहुत ही कम स्कूल थे. राइट, लेट मी शो यू. यहाँ पे देर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. राइट, राइट आंसर चूज करना था इसमें. हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई? द किंग विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई, क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेस्ट द शेफर्ड्स विजडम. ठीक है, क्योंकि उसने बहुत कुछ सुना था उसके बारे में. ठीक है ना, उन्होंने डिस्गाइज्ड एज शेफर्ड राइडिंग ऑन अ म्यूल द वन डे द किंग केम टू द केव. ठीक है, वो बहुत फेमस हो गया था. द किंग दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग. तो इसको अपने लैंग्वेज में लिखोगे, बुक से नहीं लिखना है, सिर्फ छाप दिए. लिखना क्या यहाँ पे, द किंग विजिटेड डिस्गाइज्ड एज शेफर्ड एंड वाई बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेस्ट हिज विजडम, कि वो सही में अच्छा आदमी है या नहीं, ये बुद्धिमान है या नहीं. वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड? जो अदर गवर्नर्स थे उससे जेलस क्यों हो गए, उससे ईर्ष्या क्यों करने लगे? बिकॉज द न्यू गवर्नर वॉज वेरी वाइज हेल्पफुल एंड काइंड टू द पीपल. वो लोगों की क्या करते थे, बहुत हेल्प करते थे. सो ही बिकम वेरी फेमस. बिकॉज ही बिकम फेमस द अदर गवर्नर्स स्टार्टेड टू ग्रो जेलस ऑफ न्यू गवर्नर या शेफर्ड. वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस? जो नया गवर्नर था उसको पैलेस महल क्यों बुलाया गया था? क्योंकि उसके अगेंस्ट में क्या था, पुराने गवर्नर्स ने कंप्लेन किया था कि वो डिसऑनेस्ट था. इसका आंसर क्या लिखा गया, द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस बिकॉज द अदर गवर्नर्स हैड कंप्लेन टू द किंग दैट ही वॉज अ डिसऑनेस्ट पर्सन. ही वॉज स्टीलिंग द पब्लिक मनी विच वॉज कलेक्टेड एट टैक्स. वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू शी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक? वहाँ पर जितने भी लोग थे वो खुश क्यों थे आयरन चेस्ट को देख के, आयरन बॉक्स? बिकॉज दे ऑलरेडी हैड हर्ड, उन्होंने पहले ही सुना था इसके बारे में कि वो हमेशा उसके साथ रखता है अपने साथ, और उसमें क्या है, चुराया हुआ ट्रेजर है, पैसा है, और वो सही में था उसके पास. तो वो देख के लोग खुश थे कि चलो अब तो ये जो नया गवर्नर है पकड़ा जाएगा. द किंग एवरी वन वॉज डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट बिकॉज दे हैड हर्ड दैट न्यू गवर्नर और द शेफर्ड कैरीज आयरन चेस्ट विथ हिम एंड हैज़ ऑल द मनी विच ही हैड स्टोलन फ्रॉम द पब्लिक. तो उन्हें लगा कि टुडे ही विल बी फाउंड आउट. व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? आयरन चेस्ट के अंदर क्या था? आयरन चेस्ट कंटेन द ओल्ड ब्लैंकेट. वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट? वो किसे अपने पास क्यों कैरी करता था? वो इसलिए कैरी करता था बिकॉज इट वॉज द ओनली फ्रेंड टू हिम. वो उसका सबसे पुराना ओल्डेस्ट और ओनली एक ही दोस्त था. हु कुड प्रोटेक्ट हिम? जो उसकी रक्षा कर सकता था इवन इफ किंग टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम हिम. अगर राजा उसे सब कुछ छीन भी लेता तो भी वो उसकी रक्षा करता. इस तरीके से आंसर इसका आप लिखो, द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड इट बिकॉज इवन इफ द किंग टेक्स अवे ऑल द थिंग्स फ्रॉम हिम इट विल स्टिल प्रोटेक्ट हिम. यहाँ से यहाँ पर देखो ये चीज़ें. इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? ये क्या है, शेफर्ड की ह्यूमिलिटी अच्छे चीज़ को बताता है या बुद्धिमानी को? एक्चुअली ये दोनों को बताता है, लेकिन ज़्यादा किस चीज़ के बारे में बताता है, ह्यूमिलिटी के मतलब, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल साधारण सा आदमी है. वो गवर्नर बन गया, किसी राज डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन गया, लेकिन अभी भी अपने साथ वो पुराना सा एक कंबल रखता है, ये सोच के कि कभी भी उसका सब कुछ छीन सकता है तो वही उसकी रक्षा करेगा. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ ह्यूमिलिटी एंड विजडम, बट देर इज़ मोर ऑफ ह्यूमिलिटी हियर देन
विजडम। हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर, राजा ने किस तरीके से नए गवर्नर को रिवार्ड किया, मतलब उसकी और उसका इनाम दिया। द न्यू गवर्नर वॉज मेड द गवर्नर ऑफ अ बिगर डिस्ट्रिक्ट, एक दूसरे बड़े डिस्ट्रिक्ट का नया गवर्नर बना दिया गया उसे। सो गाइज दैट्स इट, दिस इज अबाउट द थर्ड चैप्टर। आई विल शेयर द आंसर ऑल्सो, पहले आप खुद से भी लिखने की कोशिश करना, एंड ऑफ कोर्स आई विल शेयर द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो। थैंक यू।